can someone call a referee? Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. Babla. यहां पर उठाकर खेल दिया है फील्डर बॉल के नीचे और इसी के साथ अमित यादव का यहां पर विकेट गिरता और कुंबली इलेवन का भी पहला विकेट गिरता हुआ सेकंड विकेट दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ जो हाथ उन्होंने खोल के रखा था उसके अंदर बस बॉल जाकर गिर गई ऐसा लगा नहीं कि वो काफी उसके ज्यादा बहुत ज्यादा प्रयास किया था और एक विकेट यहां पर गिरता हुआ तीसरा विकेट यहां पर कुंबली का यहां पर गिरता हुआ और अगले बल्लेबाज हैरी जो कि काफी नाम छत्तीसगढ़ क्रिकेट में इनका चलता है हैरी काफी शानदार बल्लेबाज भी माने जाते हैं तो आज हैरी आए हैं हरी आए कुंबली इलेवन पाटन की टीम से खेलने के लिए पिछले हर सालों में हर साल महामाया कप खेलते आए तो इस साल कुंबली इलेवन पाटन की टीम से हैरी बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए तो हैट्रिक में यहां पर गेंदबाज तो देखते हैं यहां पर हैट्रिक विकेट गेंदबाज ले पाते हैं या नहीं दो गेंदों पर दो विकेट यहां पर गिराया है अभी तक तैतीस रन यहां पर टीम का स्कोर पांचवां ओवर चलता हुआ तैतीस रन तीन विकेट के नुकसान पर यहां पर कुंबली टीम का स्कोर एक और अच्छी बॉल काफी अच्छी गेंद थी यहां पर पॉइंट की ओर
खेलना चाहते थे परंतु बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और यहां पर रिवर्स खेलने का प्रयास, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं यहां पर। अच्छा यहां पर रोके रखा है यहां पर कादंबी 11 के गेंदबाजों ने, तो अभी तक वापसी कही जा सकती है यहां पर कादंबी 11 के गेंदबाजों की। अच्छा शॉट खेल दिया इसे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर जब तक आते एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 5 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट के नुकसान पर कुमली पाटन टीम का स्कोर। बॉलर ने बताएंगे यहाँ पर, बॉलर ने आदिल आए यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए। काफी बाहर गेंद, अंपायर ने इसे वाइट बॉल करार दिया। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ कुमली 11 में जुड़ता हुआ, एक रन एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठे ओवर का खेल। उठाकर खेल दिया है फील्डर बॉल के नीचे और एक और विकेट यहां पर। लगातार यहां पर विकेटों की झड़ी लगती हुई, ऐसा लग रहा है कि खराब शॉटों का सिलेक्शन यहां पर अभी तक किया है पाटन की टीम ने। अच्छा ड्राइव कवर्स की तरफ खेल दिया इसे फील्डर जब तक आते, एक रन दौड़ कर पूरा कर लिया। छठवें ओवर का खेल चलता हुआ, इसके बाद 2 ओवर और शेष। और यहां पर एक और खतरा हो सकता था परंतु फील्डर से थोड़ी दूर बॉल और एक और अच्छी गेंद यहाँ पर उठाकर मारने के प्रयास में थे चिराग और गेंद गई विकेट कीपर के पास। तो मैं बताना चाहूंगा कि चिराग जो अभी भाई बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, वो पहले फर्स्ट सीजन जो महामाया कप का हुआ था उसके मैन ऑफ द सीरीज थे और एक बाइक उनको प्रदान की गई थी। तो पहले महामाया कप विनर टीम कुमली के सीरीज। एक और हिट करने का प्रयास में थे परंतु
बॉल का कोई संपर्क नहीं, बैट से सीधा। अभी तक काफी दबाव में यहां पर देखने को मिली, अभी तक यहां पर पाटन की टीम इस ओवर के अंतिम गेंद से सामना करेंगे चिराग। तो यहाँ पर 12 गेंदों की 12 गेंदें शेष बची हैं, यहाँ पर दो ओवर में देखते हैं कितने रन और जोड़ पाती है यहाँ पर पाटन की टीम। तो यहाँ पर काफी कम रन यहाँ पर सुबह के समय बनते हैं क्योंकि विकेट में उतनी तेजी नहीं होती है, तो रन बनाने में बल्लेबाजों को काफी सैंतीस रन टीम का स्कोर। बॉलर नेम बताएंगे, बॉलर नेम इकरार। इकरार को गेंदबाजी करने के लिए आया गया है। उठाकर खेल दिया है और यहां पर सीधा गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार चौका आता हुआ उठाकर मारने के प्रयास में थे हैरी, परंतु उतना अच्छा संपर्क नहीं। बॉल का बल्ले से एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। 42 रन टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जबकि 7वें ओवर का खेल चलता हुआ। और यहाँ पर एक खराब क्षेत्ररक्षण, निश्चित तौर पर यह क्षेत्ररक्षण भारी पड़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एक रन
यहाँ पर नो बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ, अगली गेंद फ्री हिट उठा कर खेल दिया उसे, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। सोलह गेंदे 21 रन, देखना है मैच किस साइड जाता है। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, पीछे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच आउट होकर वापस आते हुए बल्लेबाज निक्की, जो कि काफी देर से अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे, इससे पिछले ओवरों में दो शानदार गगनचुंबी छक्के लगाकर अपने टीम को मैच में वापसी कराई, और जब उन्हें टीम की जरूरत थी तो साथ छोड़कर वापस आते हुए निक्की। तो निक्की का जगह लेने जाते हुए बल्लेबाज रजत, 15 गेंदे 21 रन, देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं दोनों बल्लेबाज। दोनों ही बल्लेबाज काफी लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर। अंपायर कृपया करके 40 मिनटों का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 40 मिनट से ऊपर ना जाने दे समय को। Fendi Prada, thinking you a Raja. Baby, you better come harder, swaggy mera Rachel, photo meri beach. अनिकेत पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद अपनी वापसी करते हुए, अगली गेंद और एक रन चुरा लिया बल्लेबाज ने। तो स्ट्राइक पर आते हुए सौरभ, जो कि इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया था, देखना है क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए, जबकि उनकी टीम को अभी भी काफी रनों की जरूरत। रिवर्स खेलना चाहते थे पर बीट हुए, कोई भी रन नहीं मिलेगा। अनिकेत एक बार फिर से कॉन्टिनेंट से सौरभ के लिए, स्लोअर गेंद और बीट होते हुए तो ओवर की समाप्ति। 39 रन 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 39 रन, 5 विकेट गवा चुकी है कदम्बी 11 की टीम। शेष बचे 12 गेंदों में 20 रन, इस मैच को अगर जीतना है तो 12 गेंदों में 20 रन अर्जित करने होंगे कदम्बी 11 की टीम को। काफी रोमांचक मैच देखने को मिल रहा कला केंद्र के इस ग्राउंड पर। तो अगले गेंदबाज राकेश, घुमाकर खेलना चाहते थे जब तक फील्डर फील्ड करते, एक रन भाग कर पूरा कर लिया है। 11 गेंदे 19 रन, मैच किसी भी पक्ष में जा सकता है। अगर कुमेली को यह मैच जीतना है तो 19 रन बनाने से रोकना होगा कदम्बी 11 की टीम को, और कदम भी 11 को यह मैच जीतना है तो वही 19 रन अर्जित करने पड़ेंगे शेष बचे 11 गेंदों में।
अगली गेंद उठाकर खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच देकर आउट होते हुए बल्लेबाज तो छठा विकेट गिरता हुआ कदम इलेवन की टीम का। बैट्समैन ने तो अभिषेक अगले बल्लेबाज के रूप में अगली गेंद डॉट के रूप में आते हुए फिर से अगली गेंद अच्छी गेंद उठा दिया है नीचे फील्डर मौजूद एक और विकेट का पतन होते हुआ कदम भी इलेवन के टीम का। बैट्समैन ने तो अगले बल्लेबाज बबला कुमली जो कि इस मैच में अपना पलड़ा भारी करती हुई फिर से उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां तो आठवां विकेट का पतन कदम्बी इलेवन की टीम का। तो काफी मजबूत नजर आती हुई कुमली इस मैच में 12 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता थी एक रन देकर काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट अर्जित किए। बैट्समैन ने तो अगले बल्लेबाज आदिल बबला की जगह लेने जाते हुए 8 विकेट खो चुकी है। अच्छी गेंद ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 40 रन तो शेष बचे 6 गेंदों में 19 रनों की और आवश्यकता। अगर कदम्बी इलेवन को यह मैच जीतना है तो 19 रन और बनाने होंगे आखिरी ओवर में और शेष 2 ही विकेट बचे हैं। उठाकर मारना चाहते थे बीट हुए अनिकेत अपने टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर आते हुए जिन्हें अनक्या के नाम से जाना जाता है।
सोनभद्र के कप्तान मंच पर आवे तो एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो अब अंतिम जोड़ी क्रीज पर मौजूद, चार गेंदे 19 रन और मात्र बचे हैं एक विकेट। सोनभद्र यूपी के टीम के कप्तान से अनुरोध है वह मंच पर आए और टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करें। अनिकेत एक बार फिर से कोटिन से, क्रीज पर आखिरी जोड़ी मौजूद। काफी अच्छी गेंद, तीन गेंदे 19 रन। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो यह मैच ड्रॉ होगा, अन्यथा खेल दिया उसे पॉइंट की दिशा में चार रनों के लिए। तो अब इस मैच में सिर्फ औपचारिकता ही शेष रह गई है। फिर से उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए एक बार बल्लेबाज फिर से। तो आखिरी गेंद से आखिरी गेंद उठा दिया है उसे नीचे, फील्डर जाते हुए पर पहुंच नहीं पाएंगे और इस प्रकार से आउट होते हुए, तो ऑल आउट होती हुई रन आउट के रूप में अपना आखिरी विकेट गवाते हुए कदम्बी 11। तो इस प्रकार से कुंबली इस मैच में विजय प्राप्त करते हुए और इस मैच के मैन ऑफ द मैच राकेश, जिन्होंने शानदार 5 विकेट लिए, राकेश जो कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मंच पर आवे और कुंबली 11 के टीम के कप्तान से अनुरोध है मंच पर आवे और टॉस की प्रक्रिया पूर्ण करें।